ये भी नहीं था पता कि ये इतने एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, यानी कि 10-10 लाख 20-20 लाख के भी तोते मिल रहे हैं 20-20 लाख के। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज का व्लॉग हम लोग करते हैं स्टार्ट, और आज हम लोग सारी बात जो करेंगे ना वो डीएनए पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में ना हम लोग डीएनए से रिलेटेड ना तीन चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, कि ये क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे करवाना है और ये किसलिए होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि डीएनए होता क्या है। ये एक सिंपल स्टोरी डिवाइस है जिसके अंदर ना बर्ड का, जानवर का पूरी बॉडी की उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेकंड बात ये कि हम लोग ये क्यों करवाते हैं, तो इसके लिए ये है कि ये कुछ बर्ड्स तो देखने से ही पता चल जाते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, बट कुछ बर्ड्स का नहीं पता चलता है कि ये इनका जेंडर क्या है और ये मेल है कि फीमेल है। तो इसलिए डीएनए करवाना ज़रूरी है, लाजमी है कि डीएनए से पता चल जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो एक और वजह है डीएनए करवाने की, और वो ये है कि ना जो मेल और फीमेल है ना इनके प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो तकरीबन प्राइस से 40-50 के यानी कि अमाउंट में ना इनका डिफरेंस होता है। मेल की ज़्यादा प्राइस होती है, फीमेल की कभी ज़्यादा हाई हो जाती है, कभी लो होती है, तो ये डिफरेंस होता है। इसलिए यानी कि डीएनए भी करवाना है, इसलिए डीएनए करवाते हैं लोग। तो कुछ बर्ड्स में स्प्लिट जीन्स भी होते हैं जिसको कन्फर्म करवाने के लिए ना डीएनए करवाते हैं। तो ये मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये स्प्लिट है, स्प्लिट जीन्स इसका क्या मतलब है। तो तीसरी बात कि डीएनए कैसे करवाते हैं, तो उसका यानी कि प्रोसीजर ये होता है कि जब बच्चा अंडे से निकलता है तो तकरीबन एक हफ्ते बाद ना हम लोग उसको ये यानी कि रिंग डाल देते हैं इसके पाँव में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसके पाँव में सेट हो जाती है। तो इससे तो उसके बाद फिर हम लोग जब ये यानी कि तकरीबन 3 माह का होता है, तो इसकी जब फीडर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो फीडर हम लोग इसके यानी कि फीडर लेकर, तो मैं पहले इसको बॉक्स में रख देते हैं हम लोग, फिर मैं आगे बात कंटिन्यू करती हूँ फीडर वाली। खाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि इसके यानी कि पाँव में रिंग कैसे फिट हो जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग जब बच्चे 3 माह के हो जाते हैं तो फिर हम लोग उनके जो फीडर लेते हैं, तो फीडर लेने के लिए ना पहले इस तरह का एक पैकेट होता है, ठीक है, ऊपर से ये ऐसे बंद भी हो जाता है। तो गाइस जब बर्ड 3 महीने का होता है ना, तो तब यानी कि उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है उसके जीन्स में, तो तब पता चल सकता है कि यानी कि इसका जीन्स क्या है, या ये मेल है कि फीमेल है जेंडर का। फिर आपने ना यानी कि ऐसी थैली लेके उसके ऊपर डर्टी टेप लगा लेनी है, ठीक है, ये काम करना है। उसके बाद जो काम है ना वो ये है कि आपने ना बर्ड का फीडर लेना है, और वो फीडर उसके बॉडी से उसी टाइम लेना है जब यानी कि आपने सोचा कि मैंने इसका डीएनए करवाना है इस पैकेट के अंदर डालने के लिए। ये नहीं कि आप केज के अंदर से उसका कोई भी फीडर ले लें, तो उस तरह से यानी कि डीएनए नहीं कन्फर्म होगा। तो आपने इसकी बॉडी से फीडर लेने हैं और फिर आपने यानी कि एक पैकेट के अंदर डाल देने हैं, और उसके ऊपर आपने उस बर्ड का नाम और उस बर्ड का नाम, उस बर्ड की रिंग नंबर भी लिखना है। तो ये अब हम लोग ये लैब वालों को भेजेंगे, और यानी कि तकरीबन सारी लैब्स की ना यानी कि जो अमाउंट है पे, तो वो फी अलग अलग डिफरेंट है, कोई 900 लेता है, कोई 1200 लेता है, तो यानी कि इस तरह से हिसाब किताब है इनका। तो अभी हम लोग ये TCS करवाएंगे, फिर हफ्ते में तकरीबन हमें हफ्ता भी नहीं लगता, तकरीबन 2-3 दिनों में ना यानी कि डीएनए टेस्ट होकर तो हमें मिल जाता है। व्हाट्सएप पर भी इनका मैसेज आ जाता है, और यानी कि ये पोस्ट ऑफिस से घर भी आ सकते हैं, घर भी आ जाते हैं ये, ठीक है। तो आप लोग डीएनए करवा के यानी कि 3 माह का बर्ड्स ना आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। ये है हमारा डीएनए बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर सारे हमने डीएनए रखे होते हैं। तो अगर आप लोग ने डीएनए करवाने हैं तो इस तरह का बॉक्स आप खरीद लें, नहीं तो आप हमें पैसे भेज सकते हैं, हम आपको बॉक्स ले देंगे। और ये एक माइक का बॉक्स है, हम माइक रख लेंगे, आपको बॉक्स भेज देंगे। जस्ट किडिंग। तो गाइस वो ना तकरीबन लैब वाले ना एक हफ्ते में ना आपको TCS कर देते हैं डीएनए, तो इस तरह से वो डीएनए भेज देते हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं ना। तो गिर गया। तो गाइस ये देखें, ये शीट कुछ इस तरह से होती है और इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ध्यान रखना।
तो गाइज ये देखें, ये डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है, ये रेफरेंस नंबर है, ये बर्ड की रिंग नंबर है, आईडी है उसकी, और ये देखें यहाँ पर बताया गया है कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है, यहाँ पर फीमेल लिखी हुई है, और ये तभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और ये आ रहा है नजर, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन मिर्ची। तो गाइस ये देखिए, उन्होंने यानी कि यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि ये फीमेल है 99.9%, उन्होंने रिजल्ट पर ये कंफर्म कर दिया कि ये फीमेल है। जो डीएनए वाली सारी रिपोर्ट है आपको समझ में आ गई होगी एक एक बात। तो भाई मैं कैसा कर रही हूँ? बहुत चंगा कर रही है। तो खैर अभी हम लोग इस डीएनए को वापस रख देते हैं क्योंकि पापा ने बहुत ही असेंबल करके इसे रखा हुआ है, अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो पापा फिर यानी कि उनको ढूंढने में जरा मुश्किल हो जाती है। अभी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू सो मच। ये यानी कि ये सारा जो एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए भी बहुत नया नया है, और इनको समझना थोड़ा सा अभी थोड़ा सा है टफ, बट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कि ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और आप लोगों को भी पता चल गया कि ये बर्ड्स हैं, इनके यानी कि आगे किस तरह से म्यूटेशन आ सकती हैं, और यानी कि जब हम लोग स्टार्टिंग में ये रखे थे ना बर्ड्स, तो हमारे हम लोग पापा को भी कहते पापा जी ये बर्ड्स हैं इतने, यानी कि क्या इनका यानी कि इनकी हमें इनकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं था कि ये बर्ड्स इस तरह से भी हो सकते हैं। हमने तो वही देखे थे वो जैसे जंगलों में ग्रीन कलर के होते हैं, रेड रेड नेक वाले, और इसी तरह के ये लव बर्ड और ये ग्रीन प्लांट आगे इनकी जो म्यूटेशन है इसका तो पता ही नहीं था, और ये भी नहीं था पता कि ये इतने एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, यानी कि 10-10 लाख 20-20 लाख के भी तोते मिल रहे हैं 20-20 लाख के। तो खैर ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि अनएक्सपेक्टेड था, इसको अभी तक हम लोग यानी कि अब तो हमें इसकी आदत हो चुकी है इन सब की बर्ड्स की। तो आप लोग भी ना यानी कि कोई बर्ड्स रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा शौक है आप लोगों का, और प्लीज़ अपने घर वालों को समझाएं बिठा के, वो आहिस्ता आहिस्ता ही मानेंगे, यकदम से आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं बर्ड्स से रिलेटेड। तो आप उनको बिठा के बताएं कि ये इस तरह से हैं और ये इतने महंगे भी हो सकते हैं, ताकि घर वाले ना आहिस्ता आहिस्ता आपके शौक में शामिल हो जाए। अच्छा।